औकात, इसी पर तो सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारी औकात क्या है। कितना खराब लगता है ना जब कोई हमें भाव नहीं देता, इग्नोर करे। तो मैं तीन ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अगर तुमने एक बार सीख लिया तो जो तुम्हें भाव नहीं देते इग्नोर करते हैं, उन सालों को पता चल जाएगा कि तुम चीज क्या हो। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, भले मेरे इस वीडियो को आज तुम लाइक मत करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखो जो मुझे इग्नोर करते हैं उन सालों को मैं एक दिन अपनी औकात दिखाऊंगा। आज कमेंट जरूर करना। इग्नोर करने का रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी को अपने फ्रेंड्स लोग इग्नोर करते हैं, किसी को अपने घर वाले इग्नोर करते हैं, तो किसी को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इग्नोर करते हैं, तो कोई ऑनलाइन आकर भी मैसेज सीन नहीं करता। तुम इतने लाचार, इतने गए गुजरे नहीं हो जितना वो लोग तुम्हें समझते हैं। आज मैं उन सब की वाट लगाऊंगा जो तुम्हें इग्नोर करते हैं। बस तुम एक बार इन चीजों को करके देखो जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो भी तड़प उठेंगे तुमसे बात करने के लिए। तीन चीजें, रिटर्न बिहेवियर, पेशेंस, बेस्ट रिप्लाई। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। रिटर्न बिहेवियर, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तुम्हें इग्नोर करे, अगर बदले में तुम भी उसके साथ ठीक वैसा ही करो ना, तो देखना वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे तुमने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। वो करे तो सही और तुम करो तो गलत, आखिर ये कहां का न्याय है। लेकिन तुम्हें इसी चीज को अपनी पकड़ बनानी है, जो तुम्हारे साथ जैसा करता है तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो तुम भी ऑनलाइन आकर उसके मैसेज का रिप्लाई मत दो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुम भी उन्हें ध्यान मत दो। दूर हो जाओ उनके सामने से, अकेले में खुश रहो। एक बार तुम ऐसा करके देखो, ऑटोमेटिकली उनका ध्यान तुम पर आ जाएगा। पेशेंस, हर चीज में सब्र होनी चाहिए। सब्र नहीं करोगे तो मनचाहा फल कैसे पाओगे। मेरे कहने पर उन्हें दो पल के लिए इग्नोर तो कर दोगे, लेकिन मन ही मन उनसे बात करने के लिए उतावले होते रहोगे। रिटर्न बिहेवियर से मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है, बल्कि सच में उन्हें इग्नोर करना है। थोड़ी सब्र रखो, उनका ध्यान तुम पर जरूर आएगा। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी मत करना, लगने तो जितना वक्त लगता है, सब्र रखो, उनके तरफ से जरूर रिस्पॉन्स आएगा। बस मायूस मत होना, हार मत मानना। बेस्ट रिप्लाई, चीजों का अगर बेस्ट रिप्लाई देना सीख गए ना, तो सिर्फ लोगों के नजरों में नहीं उनके दिलो दिमाग में छा जाओ। जैसा मैंने बताया, जब तुम ऐसा करोगे तो देखना वो ये जरूर कहेंगे कि यार तुमको हो क्या गया है, आजकल तुम थोड़ा बदल गए हो। बस यही चीज तो चाहते थे कि उनका भी ध्यान हम पर आए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही सही उगल कर गलती मत कर देना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था ताकि तुम उस पर ध्यान दो। यहीं पर तो तुम्हें दिमाग लगाना है, उनके हर सवाल का एक सही जवाब देना है कि मैं बदल नहीं गया हूँ, बल्कि अपने कामों में बिजी हूँ। फिर वो पूछेगा कैसा काम, कहाँ बिजी हो, तो कहना कि वक्त आने दो, खुद पता चल जाएगा। वीडियो के आखिर में मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि एक बार इन तीन चीजों को फॉलो करके देखो, देखकर हैरान रह जाओगे, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। इसी तरह के और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।